ये एक दिन बहुत निर्दोषी ये नया पवन पवन यादव की जो पत्नी है वो अभी कहाँ पे, यहाँ जानना चाहेंगे पवन जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनका समाज में कैसा आचरण था, लोगों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे या फिर क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे? अगर क्रिमिनल टाइप के थे तो इस घटना को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं थे, लेकिन अगर स्वच्छ व्यक्ति का आदमी हो और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश होगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया होगा कि चलो ऐसा घटना का अंजाम दे देते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं पवन यादव जी, उस दिन थे या नहीं घड़े पर थे? घड़े पर थे, कब गए थे वो? तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन घड़े पर थे, जैसे हमको हमारा घर दूर थोड़ा पड़ता है, समझे। पवन अच्छा लड़का है, पंजाब में कमाता है, राजस्थान में, तो आया होगा कोई इधर एक महीना पहले आया। एक परिवार दो बच्चे, उनको इतनी बड़ी घटना देने के बाद छोड़ देना बड़ी खराब सी चीज़ है, ऐसे में उनके बच्चों का क्या होगा अगर इस केस में वो इन्वॉल्व है, और अगर इनकी तो, मतलब जो विपक्षी जो दल है उनके तरफ से ये साबित कर दिया जाता है कि पवन यादव जी इनमें से क्या, उनको ये देखिए कहने के लिए तो लोग झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। पवन यादव की जो पत्नी है वो अभी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहीं पर होगी, तो उनका भी हम स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पवन यादव की पत्नी नहीं है। तमाम ग्रामवासियों के अनुसार पवन यादव जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, इसके बाद इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, चूँकि पवन यादव जी के दो छोटे बच्चे हैं, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले क्या पवन यादव जी सोचा नहीं कि अगर मैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता हूँ तो मेरे बच्चों, मेरे परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, इन सबों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो जाता है? तो फिलहाल मधुबन में है, और मधुबन की जो लोग हैं, पवन यादव की जो ग्राम के लोग हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और कोई भी व्यक्ति पवन यादव के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। सभी लोगों का कहना है कि स्वस्थ छवि के व्यक्ति थे, उनको फंसाया जा रहा है। वो रात भर जिस दिन घटना हुई है वो अपने घर पे थे, और उनके साले के फोन के बाद वो सुबह में यहाँ से चले थे। ऐसे में लड़के के पिताजी का कहना कि पवन यादव जी को मैंने मेरे बेटे की मृत्यु होते समय उनको भी देखा था, कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ग्रामवासियों के अनुसार ये कहना है। पवन यादव उनका कैसा छवि था, वो निष्पक्ष थे या फिर समाज में लड़ते झगड़ते रहते थे? नहीं सर, बढ़िया थे, बढ़िया थे, समाज में सब लोग से बहुत निर्दोष है। तो इनका जो नाम आ रहा है मुख्य आरोपी में, पवन यादव का नाम आ रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में पवन यादव ने इस घटना को रचा था, इसके मास्टरमाइंड पवन यादव है, और उन्होंने इन सारी घटना को अंजाम दिलवाया। चूंकि कहा जा रहा है कि आरती के जो पिता है वो सत्संगी व्यक्ति है, और एक सत्संगी व्यक्ति का इस तरह से माइंड डाइवर्ट होना और एक लड़के को मौत के घाट उठा देना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं था, चूंकि उनके ऊपर उनके दामाद का हाथ था, इसलिए दामाद ने माइंड डाइवर्ट करके मर्डर करवा दिया, क्या ये सही है? ये बहुत निर्दोष है, ये पवन निर्दोष है। क्या करते हैं पवन जी? पवन कपड़ा अच्छा बाहर में रहा है 10 दिन से। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? घर पे थे। पवन यादव यहाँ थे या फिर घटना में वहाँ पे संलिप्त थे? ना या तो घर पर है। हमारे साथ पवन जी के समाज से एक युवा है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि पवन यादव की छवि के बारे में, कि उनका व्यक्तित्व और स्वरूप कैसा है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। पवन यादव को आप कितने दिनों से जान रहे हैं? बहुत दिन से। उनकी छवि कैसी है समाज में? अच्छी है। झगड़ालू है या फिर समाज में? ना, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई है, पवन यादव जी का नाम आ रहा है लगातार, क्या है, कितनी सच्चाई है इस बात में? साजिश है। पवन यादव की साली का कहना है कि मेरे जीजा नहीं, उसका कहने का क्या, वो तो बहुत कुछ कह सकता। क्या लगता है इस घटना में जो लड़की है आज अपने घर को छोड़ करके लड़के के घर पे चली गई है, वो विधवा बन के जीना चाहती है, वो छोटू के घर में रहना चाहती है? नाबालिग है ना वो, बालिक है। अच्छा जी, बालिक, बालिक है वो, तो बालिक 18 साल के बाद तो बालिक हो जाता है, तो अपने उड़ान हो जाता है वो इंसान, कोई भी हो उड़ान हो जाएगा ना, वो जवाबदेही इंसान छोड़ देता है वो, ठीक है, वो अपना माँ बाप का करते भूल जाता है, ठीक है। हाँ, वो 9 महीना कितना गोद में पाला पसा वो भूल जाता है सारा चीज। आरती के अनुसार उनकी भाभी ने कॉल किया था छोटू को और उसे बुलाया गया था। क्या किया नहीं किया वो तो रिकॉर्ड के हिसाब से ना चलेगा। क्या है ये सारा कुछ, सारा जो स्टेटमेंट दे रही है वो सही है या गलत है? पूरा भारत पता चलेगा, आज पूरा भारत वर्ष इस घटना को देख रहा है और पूरे भारत में इसकी निंदा की जा रही है। उसका प्रूफ चाहिए ना, सच्चाई क्या है? प्रूफ, सच्चाई हम लोग नहीं बता पाएंगे। पवन यादव जी सच्चा, उसका रिकॉर्ड पता, पवन यादव जी का उस दिन यहाँ पे थे, यहीं पे थे, सुबह में गए थे। हाँ सुबह में गए थे। तो तमाम जो ग्रामवासी है उनका कहना है कि पवन यादव एक साफ छवि के इंसान है, उनको उनके साले के तरफ से सुबह के समय में कॉल करके बुलाया गया था कि जीजा जी छोटी का शादी हो रहा है, आप आइए इस शादी में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन नहीं शादी का इन्वॉल्व नहीं था उसमें। अच्छा। शादी का इन्वॉल्व, उसको बुलाया गया, इस तरह का साजिश है, इस तरह का घटना हुआ, आप आइए सुबह सुबह, देखा जाए मामला को किस तरह से निपटारा किया जाए सुबह सुबह।
हाँ। तो जब ऐसी घटना आई तो फिर क्या वजह हुई कि सुबह सुबह जिस जगह पे मामले का निपटारा करना था उसी जगह पे छोटू का शव पाया गया? आखिर क्या कुछ हुआ था? इनका जो प्रेम प्रसंग था कितने दिनों से चला था? क्या मैं आपको आपसे नहीं पूछ सकता हूँ, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ये छोटी और आरती की प्रेम कहानी पूरे भारतवर्ष में चर्चा में बनी हुई है और छोटू का कहना है कि हम कभी सॉरी आरती का कहना है कि हम कभी छोटू से मिले ही नहीं, इसमें क्या क्या सच्चाई लगती है? एक लड़का एक लड़की जो दो साल से प्रेम प्रसंग में फंसे हो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो और वो कहे कि हम कभी नहीं मिले, चूंकि लड़की के घर के जस्ट बगल में लड़का का नाना जी का घर है, उसका आना जाना उसके नाना के यहाँ से लगा हुआ रहता है, उसके बाद भी लड़की ये दावे के साथ कह रही है कि मैं पहले कभी छोटू से नहीं मिली, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए उसमें अच्छा भी है बुरा भी, और दो साल से अगर बात कर रहा है उसके साथ, और उसमें देखिए हम लोग भी मोबाइल चलाते हैं, अच्छा बुरा सारा चीज़ जानते हैं, और अच्छा बुरा सारा चीज़ आता है उसमें, कहीं बोलता हम बात किए हैं देखे हैं वीडियो कॉलिंग भी बात किए हैं, और कभी बोलता हम देखे भी नहीं हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दो साल से बात कर रहा और मुलाकात नहीं हुआ हो, ऐसा हमको उम्मीद नहीं बुझा रहा, मुलाकात तो ज़रूर हुआ होगा, और हो सकता है मुलाकात नहीं हुआ हो, फिर भी छोटू के बुलाने के बाद देखें तो उसमें हम बोल भी नहीं सकते हैं, देखें कि नहीं देखें उसको हम बोल भी नहीं सकते हैं।